अगर तुम मेरे पिछले 2-3 महीने के वीडियोस देखने जाओ, यू विल रियलाइज़ कि मैंने ऐसे बहुत टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है जिन पे व्यूज़ तो नहीं आए मुझे, बट वो टॉपिक्स मस्त थे। ये सारे टॉपिक्स है एग्जांपल। इतने अच्छे क्वालिटी वीडियोस डालने के बाद एक व्यूज़ के लिए सुअर टॉपिक पे वीडियो बनाना तो बनता है यार। एंड आज का सुअर टॉपिक है मेरे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स इन वन पीस दैट नोबडी आस्क्ड। एक बड़ा डिस्क्लेमर कि मैं इस लिस्ट में ये नहीं बताने वाला कि कौन सा कैरेक्टर किससे बेटर है। ऑल राइट, अगर किसी को मैंने 5th पे रखा है तब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मैंने 4th पे रखा है वो 5th वाले से बेटर है। इट्स जस्ट वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो में मैं गलती से मांगा स्पॉयलर्स दे सकता हूँ, इसलिए मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट। एंड लेट्स बिगिन। वैसे मैनी ऑफ यू गाइज डोंट नो दिस, बट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग ड्रॉप किया है। एंड इसे अपलोड करने से पहले ना मैं इस सॉन्ग के विजुअल से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूज था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सॉन्ग के वीडियो में क्या दिखाऊँ। काश मुझे उस टाइम विदम JR के बारे में पता होता। विदम JR म्यूजिक्स के लिए एक वीडियो मेकर है। यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अलग अलग तरह के फीचर्स मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से तुम अपने सॉन्ग या फिर किसी भी सॉन्ग के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो बना सकते हो। सॉन्ग के बीट, फ्लो, रिफ, या फिर कोई स्पेसिफिक पियानो पीस, किसी के भी हिसाब से तुम विजुअल्स को चेंज कर सकते हो इस ऐप में। ऑल यू हैव टू डू इज़ ऐड वट एवर सॉन्ग यू लाइक इन दिस ऐप एंड देन मेक योर ओन वीडियो। डिस्क्रिप्शन में विदम JR का लिंक मिल जाएगा तुम्हें। प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वो भी फ्री में। अगर कोई इधर म्यूजिक बनाने में या म्यूजिक वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए ऐप एक जेम है। डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। नाउ कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। मेरा 10th फेवरेट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक एपिटमी है ऑफ ब्रेवरी, लॉयलिटी एंड बैडनेसनेस। This guy pulled off so many crazy things in this show and then he actually stood as if nothing happened. Yes, I'm talking about Roro Noah, Zoro. मैं हक दिया, ठीक है। 3 स्वॉर्ड चलाने वाला स्पोर्ट्समैन कभी देखा है? वन पीस देखने वाला तो हाँ भाई, ये भी देख लिया। जोरो के हरकतें, डैम। ही इज़ अ गुड लीडर, ही इज़ अ फनी कैरेक्टर, ही इज़ अ बैडेस्ट कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग तो है ही, राइट विंग ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग। लॉयल इतना है कि लूफी को अपने से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। ही इज़ ऑन हिज वे टू रीचिंग मिहॉक्स लेवल इन ऑर्डर टू डिफीट हिम, एंड वी ऑल नो कि वो ऐसा कर भी लेगा। माई फेवरेट मोमेंट ऑफ जोरो वॉस जब वो रोते रोते लूफी के लिए प्लेज लिया था एंड जब वो मोनेट को काटा था। भाई बेस्ट मोमेंट था वो। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट नथिंग हैपेंड, अ W कैरेक्टर। हैव यू एवर सीन अ कैरेक्टर जिसके पास दुनिया भर का टाइम था मेन कैरेक्टर को मारने का, लेकिन उसका मस्ती इतना है कि वो बंदा चाबी को तोड़ रहा है लेकिन मेन कैरेक्टर को नहीं। मैं बात कर रहा है एक फनी बट एट द सेम टाइम एक कोल्ड विलन की, किजारू। किजारू मेरा 9th फेवरेट कैरेक्टर है एंड माई फेवरेट एडमिरल। दिस गाय भाई, जिस वे में दूसरों को ट्रीट करता है, जिस वे में फुद्दू जैसे बातें करता है जानबूझ के, आई लव इट। किजारू का पूरा कैरेक्टर ही इतना यूनिक है ना। फास्टेस्ट कैरेक्टर होने के बाद भी ही स्पीक्स दी स्लोएस्ट, टॉक अबाउट आयरनी। किजारू का फ्रूट मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है। लाइट कितना कूल पावर है यार। पिका पिका नोमी बेस्ट। बेस्ट मोमेंट किजारू का था ऑब्वियसली वो चाबी तोड़ने वाला। मार्को को भी ये मार सकता था इजिली जब उसके कफ्स लगे थे, बट नहीं, सर को छाती में लाइट मार के खेलना है, वो भी एक वॉर में। क्रेजी कैरेक्टर ही है। इसके अलावा मुझे इसका इंट्रोडक्शन एंड एंट्री पूरे शो में बेस्ट लगा था, इवन बेटर देन काइडो का इंट्रोडक्शन। भाई तोप के गोले में खड़े होके आया था, डैम। टॉक अबाउट बैडनेसनेस। मेरा 8th फेवरेट कैरेक्टर जो है उसे हमने आज तक एक ही आर्क में बस देखा है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट ही इज़ अ W कैरेक्टर। ही फॉट लूफी एंड इवन लेट लूफी विन। हिज मॉरल्स एंड हिज लव टूवर्ड्स हिज फैमिली इज टू गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट काटाकुरी। काटाकुरी नो कैप पूरे वन पीस का वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर है। ओडा ने एक फर्स्ट योंगो कमांडर को इतना प्यारा डेवलपमेंट दिया है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लाइक ओडा एज अ मांगा का। काटाकुरी वाज द फर्स्ट कैरेक्टर हु शोड हिज फ्यूचर साइट, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड बिकॉज ऑफ हिम इवन लूफी लर्न्ड दिस एबिलिटी। द गाय वॉज स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मॉरली, द गाय वॉज ब्रूटल बट सॉफ्ट एट द सेम टाइम, द गाय वॉज बैड एंड गुड एट द सेम टाइम। आई गेस काटाकुरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ग्रे कैरेक्टर शुड बी। इसका फ्रूट भी मुझे काफ़ी पसंद है, फर्स्ट पैरामिसा फ्रूट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी। काटेगोरी का बेस्ट मोमेंट नो कैप तब था जब वो अपना पेट में अपना ट्राइडेंट सा घोप दिया था टू कीप हिज फाइट फेयर। एंड हाँ, यू आर सीइंग क्वाइट फार इन द फ्यूचर वाला डायलॉग वो तो बेस्ट था ही यार, नो कैप। मेरी 7th फेवरेट कैरेक्टर एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे कोई पसंद ही नहीं कर सकता। इतनी सुअर पायरेट है ये, एंड दैट्स वॉट मेक्स हर स्पेशल एंड माई मोस्ट फेवरेट एंटैगनिस्ट, बिग मॉम।
मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बना रखा है, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दिस वीडियो देन आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच इट, वन ऑफ माई बेस्ट वीडियोज़। बिग मॉम डोकरी इतनी डम्फक औरत है, इसके हरकतें इतने फुद्दू है, ये खुद ही इतनी फुद्दू है, जितनी गालियाँ तो इसे उतना कम है। बिगेस्ट रीज़न आई लाइक हर। बिग मॉम पूरे वर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इसका फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, एक यूनिक फ्रूट है सोरो सोरो नोमी, एंड जिसमें में ये औरत उसके पावर्स को यूज़ करती है, क्रेजी। मेरा फेवरेट बिग मॉम मोमेंट था वेडिंग केक ही। क्या क्लाउन कैरेक्टर थी भाई ये, बहुत बड़ी क्लाउन। अगर मैं ये वीडियो एक दो साल पहले बना रहा होता ना, तो आई एम श्योर मैं अपनी सिक्स फेवरेट कैरेक्टर को फर्स्ट पे रखता सिम्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। बट अभी मैं मैच्योर का 14 बन गया थोड़ा सा, तो या आई एम अनाउंसिंग रॉबिन एज माई सिक्स फेवरेट कैरेक्टर। निको रॉबिन, another W character, one of the best written straw hat. इसका development I guess सांजी के बाद सबसे ज़्यादा बढ़िया रहा है among other straw hats. Robin के devil fruit powers मुझे काफ़ी unique लगते हैं, not my favorite but good powers. Robin में एक good woman वाला charm है, but at the same time एक devil वाला charm भी है. For me her best moment was when she confronted her true feelings. I want to live यार, it was such a beautiful moment. Time skip के बाद हालांकि Oda ने Robin को एक mommy types character बना दिया, like बस्टी बना दिया जबरन का जस्ट टू ग्रैब हर की लोगों का अटेंशन, लेकिन वानो में रॉबिन पे फाइनली लाइट डाला उड़ा ने वापस से, एंड इट वाज गुड। डिमोनिया फ्लोर डैम, इट वाज ग्रेट यार। रॉबिन का पूरा ट्रेजिक पास्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है, वन ऑफ द सैडेस्ट पास्ट, चेरी ऑन द केक, एंड हु कैन नॉट लाइक रॉबिन भाई। मुझे पता है तुम्हें भी रॉबिन पसंद है, कमेंट करो अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। मेरा फिफ्थ फेवरेट कैरेक्टर भी एक काफ़ी अच्छा रिटन कैरेक्टर है। ये बंदा डॉफी के सामने चूचर लेता था एंड अभी एक योंको से 1v1 में लड़ रहा है। इस कैरेक्टर का इंप्रूवमेंट थ्रू आउट द स्टोरी मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। लॉ, इवन द लॉ एक साइड कैरेक्टर है, ओडा ने इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया इसे कि वी ऑल फैंस गॉट अटैच्ड विद दिस कैरेक्टर। वानवर के ख़त्म होने पे जब लॉ फाइनली अपने रास्ते बढ़ रहा था, तब इट फेल्ट वियर्ड। नहीं, लॉ के पावर्स की बात करें तो अ मैसिव डब्लू, ओपे ओपे नोमी मेरा फेवरेट डेविल फ्रूट है, प्लस लॉ एक डॉक्टर भी है, तो ये तो चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है। लॉ का बॉन्ड एंड मोमेंट्स विद स्ट्रॉ हैट भी काफ़ी मस्त है। द ब्रेड सीन यू रिमेंबर, रियोनोस्के के ऊपर इसका और जोरो का रिएक्शन लमाओ। ओवरऑल अ ग्रेट कैरेक्टर, काफ़ी वेल रिटन पास्ट भी था इसका, इसका और कोराजन का बॉन्ड डैम। लॉ को काफ़ी अटेंशन दिया है ओडा ने, और वो भी ढंग का अटेंशन, इट्स ऑब्वियस ये मुझे एज वेल एज और भी लोगों को पसंद है। फॉर मी, मेरे लिए लॉ का फेवरेट मोमेंट था, एक्चुअली उसको मोमेंट तो नहीं बोल सकते, बट आई टोटली लव्ड हिज असिस्टेंस इन द रूफ टॉप फाइट। लूफी जोरो की क्या हेल्प की भाई इस बंदे ने, प्लस वो बिग मॉम को गिराने वाला प्लान, मज़ेदार। मेरा फोर्थ फेवरेट कैरेक्टर पूरे वन पीस में मेरे सबसे बेस्ट रिटन कैरेक्टर है। ही इज़ अनोइंग एज फक, बट मज़ा भी आता है इसे देखने में। द बिगेस्ट सिंप इन वन पीस, सांजी। क्या राइटिंग है सांजी की, डैम। ओडा ने एक आर्क डेडिकेट किया है लॉन्डे पे। मेरे ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट ऑफ अ कैरेक्टर सांजी इज। इतना इम्परफेक्ट होके भी इतना मस्त कैरेक्टर है ये। सांजी इज़ लॉयल, सांजी इज़ स्ट्रॉन्ग, लेफ्ट विंग ऑफ फ्यूचर पायरेट किंग, ही इज़ बैड एस, क्लाउन बी, एंड ही इज़ द बेस्ट रिटन स्ट्रॉ हैट नो कैप। सिर्फ पैर यूज़ करके फाइट करना इज़ अ यूनिक थिंग, एंड इट्स यूनिक इन अ गुड वे। सांजी का पास्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट पास्ट है। फॉर मी द बेस्ट सांजी मोमेंट वॉज जब वो अपने पावर्स को रिजेक्ट करके अपने जर्मा सूट को फोड़ देता है, एंड हाँ वो वाला मोमेंट भी जब वो अपना फर्स्ट बाउंटी पोस्टर दिखाता। पुणे के लिए उसकी भाषा लमाओ। मेरा थर्ड फेवरेट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी कम लोगों के फेवरेट्स में आता होगा, बट फॉर मी दिस कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इवन अमंग अदर एनिमेस कैरेक्टर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रूक। ब्रूक मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, 300 एपिसोड्स के बाद ये आया था, बट स्टिल ही कैरीड द कॉमेडी इन वन पीस, वेदर इट बी पैंटी जोक्स, वेदर इट बी 45 डिग्रीज वाला जोक, ब्रूक इज़ द बेस्ट वन पीस कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। पात पूत दिया था भाई ये, लमाओ नामी के सामने शायद। सच अ फनी गाय है भाई, स्केलेटन पादरा लमाओ। प्लस ब्रूक का पास्ट पूरे वर्स का सबसे ट्रेजिक पास्ट है टिल डेट। आई रियली रिकमेंड यू दिस AMV, इसे ज़रूर से देखना, गुजबम से आ जाएंगे। ब्रूक वॉज द ट्रू MVP ऑफ WCI आर्क। फॉर मी दिस गायज बेस्ट मोमेंट वॉज जब ये बिग मॉम को पैंटी दिखाने बोला था, एंड जब ये रोते रोते बोला था कि आई एम ग्लैड टू बी अलाइव। इवन इफ आगे चल के ओडा फीट्स वाइज ब्रूक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे, फिर भी ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स फॉर मी। एंड हाँ भाई, ब्रूक के स्केलेटन जोक्स भाई बेस्ट। मेरा सेकेंड फेवरेट कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इज़ अ मैन नो वन कैन हेट। This guy was a fucking legend, is a fucking legend actually. The guy smacked the shit out of Marineford while being sick. The guy smacked the shit out of an admiral while having a heart attack.
आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल डैडी ऑफ वन पीस व्हाइट बियर्ड. हाउ कैन ही नॉट बी इन माई टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स भाई. क्या बंदा था व्हाइट बियर्ड, फैमिली का डिजायर रखने वाला एक रेयर पायरेट. व्हाइट बियर्ड इज द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस. इसके हरकतें देख लो, मुक्का बरसा था काइनू पे, वो भी आधा चेहरा उड़ जाने के बाद. व्हाइट बियर्ड लिटरली एक लेजेंड था. मेरा फेवरेट मोमेंट व्हाइट बियर्ड का वो वाला मोमेंट है जिसमें ये अपने बेटे को, दल्ले बेटे को जो है गले लगा लेता है, तलवार घोप दिया था वो दल्ला, स्टिल व्हाइट बियर्ड वॉज नॉट एंग्री. अ ग्रेट मोमेंट. व्हाइट बियर्ड का डेथ वॉज द मोस्ट लेजेंडरी डेथ वन कैन विटनेस. इसका मोनोलॉग बिफोर डेथ भी क्या बैड एस था. वन पीस वा जित्सु जाई शुरू, डैम गूजबम्स आ जाता है आज भी याद करके. ही वॉज अ रेयर पायरेट जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी कभी उस चीज़ का घमंड नहीं दिखाया. द ट्रू टॉप जी इन वन पीस. एट लास्ट मेरा फेवरेट वन पीस कैरेक्टर. हु डू यू थिंक माई फेवरेट वन पीस कैरेक्टर इज? आई मीन इजेंट इट ऑब्वियस? इट्स लूफी, द मेन प्रोटैगनिस्ट इन वन पीस. फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लूफी मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ हिज गूफीनेस, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग, बिकॉज ऑफ हिज मॉरल्स, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ हिज यूनिक वे ऑफ फाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लूफी मेरे लिए बेस्ट कैरेक्टर है. सबसे ज़्यादा अटैच लूफी से ही हुआ मैं, आफ्टर ऑल उसे ही सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो मिला है एंड उसकी हरकतें ज़्यादा दिखी है हमें. लूफी के सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि इतने सारे मोमेंट्स हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं. काइडो को जो उसने चैप्टर 1000 में पंच किया था, उसका हैट रखना ऑन काटाकुरी फेस, सांझी के लिए जो पूरा वो चिल्लाया था WSI के स्टार्टिंग में, तीनों एडमिरल्स के सामने तंबू लेके पहुंच गया था, एस के लिए जो रोते रोते बेहोश हुआ था वो, इतने सारे मोमेंट्स आई कांट इवन काउंट इट. एंड आई गेस दिस इज़ वेयर दिस लिस्ट एंड दिस वीडियो एंड्स. वेल व्हाट अबाउट यू? तुम्हारे टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से वन पीस के, कमेंट्स में बताओ. वैसे इन 10 के अलावा भी मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स पसंद है, जैसे कि रे लीग, काइडो, डॉफी, सेनोर पिंक, बोन चान, बाकी बचे स्ट्रॉ हैट्स, बट ये 10 मेरे टॉप 10 में आते हैं. विदम जेआर को चेकआउट करना मत भूलना और मैं चला एक और लो एफर्ट वीडियो बनाने. तो अब नेक्स्ट वीडियो में यह सुनने मिलेगी, तो बाय बाय.